टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम खवातीन और हजरात, आप सबको बकरा ईद बहुत बहुत मुबारक हो। जी हाँ, आज भी ईद का एक और गहमा गहमी वाला दिन आपका मुंतजर है और मेरी एक खास गुजारिश है कसाईयों से, खुदा के लिए रेट्स कम कर दें। इतने ज्यादा पैसे लेके क्या करेंगे आप, थोड़ा सा तो खुदा के लिए रहम करें। कुर्बानी एक फरीजा है, बहुत सारे लोगों ने निभाना होता है, इतने रेट्स कसाईयों ने बढ़ा दिए, ये कहाँ का मतलब इंसाफ है बताएं। बिल्कुल बहुत गलत बात है, थोड़े से रेट्स को कंट्रोल कीजिए। और ईद के दूसरे दिन भी बकरों की कीमतों में कमी नहीं आई, लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना है। बहुत सारे लोग हैं जो कि कुर्बानी करने के लिए निकले हैं, अपना जेहन बना चुके हैं, लेकिन दूसरे दिन भी बकरों के रेट्स में कमी नहीं हो रही है। वो तीसरे दिन का इंतज़ार करें, अब तीसरे दिन भी अगर कमी नहीं हुई तो बेचारों को जैसे तैसे अपनी गर्दन पर छुरी चलानी पड़ेगी, जो कि आप जानते हैं कि अब जब जेब पे छुरी चलती है तो जेब और गर्दन की छुरी आजकल एक बराबर हुई हुई है। लेकिन हमें अपनी कौम, अपने मुल्क, अपने दोस्तों के बारे में सोचना चाहिए, रेट्स कम कीजिए ताकि सब लोग अपनी जो कुर्बानी का फरीज है उसको बखूबी अदा कर सके। खवातीन और हज़रात, ईद कुर्बान जब भी आती है हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाती है, कुर्बानी का जज्बा सिखाती है, अल्लाह की राह में देने का जज्बा हमें सिखाती है, और ये वो वाली चीज़ें जो कि नस्ल दर नस्ल हम अपने बच्चों को सिखाते हैं, हमने खुद अपने वालदैन से सीखी है, और ये जो साइकिल है ये चलता रहता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इस चीज़ को बहुत ही ज़ोरों शोर से मनाते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो ज़रा शो ऑफ करके मना रहे होते हैं, तो शो ऑफ मत कीजिए। आपको पता है बहुत सारे हमारे ऐसे बहन भाई हैं, बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो कि बहुत कोशिश कर रहे होते हैं अपनी ज़िंदगी की तगोदो में लग के किसी ना किसी तरह ये फरीज़ा मुकम्मल कर लें, और करते भी हैं, लेकिन आप जब शो मार रहे होते हैं तो उनका दिल ज़रा छोटा हो जाता है, वो एक स्टेप बैक ले लेते हैं कि यार हम कर देंगे तो फिर इतना ही करेंगे। ऐसी बात नहीं है, आपको ये फ़र्ज़ अल्लाह ताला की राह में अदा करना है और अल्लाह ताला की खुशी के लिए आप ये फ़र्ज़ अदा करते हैं। तो लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या सोच रहे हैं, उसने इतने की गायें ली, हमने इतने का बकरा लिया, इन चीज़ों में बिल्कुल मत पीजिए। सोशल मीडिया के अंदर जो लोग गायें बकरों की तस्वीरें अपलोड अभी तक कर रहे हैं कि इतने की थी और उतने की थी और ये ऑस्ट्रेलिया की थी और ये यूनान की थी, खुदा के लिए प्लीज़, ये सोशल मीडिया का ये मकसद नहीं है कि आप अपनी गाय की नस्ल बताएं। आप प्लीज़ इसके ऊपर सिर्फ ये बताएं कि आपने फ़र्ज़ अदा किया है, और ये दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला सबको ये तौफीक अदा फरमाए कि सब कुर्बानी का जो फ़र्ज़ है वो अदा करें और अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए। आज भी ईद का दिन है खवातीन और हज़रात, एक बहुत ही शानदार शो आप सब लोगों के लिए लाइन अप किया है। आज के शो में भी म्यूज़िक होगा, आपके पसंदीदा एक कपल से आपकी मुलाकात कराएंगे, थोड़ी देर के बाद शेफ़ नौरीन हमारे साथ होगी जो कि किचन में बेहतरीन बहुत ही मज़ेदार आज खाना बना रही है, पता नहीं आज उनके मेन्यू में क्या है, ये तो जब वो आएंगी तो पता चलेगा, ताकि आपका और उनका किचन का एक ही वक्त हो, ताकि आप भी उनके साथ साथ वही बना रही हो जो शेफ़ नौरीन बना रही हो, ताकि आप लोग भी वही रेसिपी इंजॉय कर सकें। आज ईद कुर्बान का दिन है खवातीन हज़रात, और हमारी यही कोशिश है कि आप भी आज किसी न किसी के घर में एक दिया जलाएं, किसी के घर में खुशियां बांटें, और अगर कुछ पका रहे हों तो प्लीज़ अपने इर्द गिर्द के लोगों में, अपने उन रिश्तेदारों में जिन्होंने कुर्बानी नहीं की, वहाँ थोड़ा सा खाना, थोड़ा सा गोश्त पहुँचाइए, ताकि उनको ज़्यादा इस बात का एहसास ना हो कि वो इस साल कुर्बानी नहीं कर सके। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार, ईद कुर्बान स्पेशल। अब आपकी मुलाकात कराऊंगा अपने दो बहुत ही अच्छे दोस्तों से, मुझे तो खैर बहुत छोटे हैं लेकिन बहुत ही खूबसूरत कपल है, अभी अभी शादी हुई और शादी के बाद पहली बकरा ईद है। हमारे साथ हैं अरसलान खान और हिरा खान। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो शादी की बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू। और ईद मुबारक आपको भी। हिरा कैसा लग रहा है ससुराल में ईद?
बहुत खुशी हो रही है कि फाइनली अब मैं ससुराल में जाऊंगी। आप दोनों इतने छोटे से हैं अभी, और लग रही है कि फैसला बहुत जल्दी कर लिया शादी का यार। तुम बताओ मुझे। आई थिंक जब आपको फीलिंग आ जाए ना कि अब You met the right person और अब आप शादी कर लें, मतलब अब इसके आगे कुछ है नहीं, अब आप लंबी करेंगे बिला वजह की, तो बस शादी कर लेनी चाहिए था। अच्छा मैं आपको बता दूं, मेरी हेरा से मुलाकात हुई तकरीबन कोई चार साल पहले। मैं एक रियलिटी शो होस्ट करता था जिसके अंदर पूरे मुल्क से लड़कियां उसके अंदर पार्टिसिपेट करती थी, एंड हेरा वॉज द विनर ऑफ दैट शो। हेरा विनर थी भाई उस शो की, और टाइटल विनर थी। और मुझे हमेशा से हेरा की एक जो चीज़ अच्छी लगती थी, हेरा बहुत ही कॉन्फिडेंट और बहुत ही हाजिर जवाब और स्पॉन्टेनियस लड़की थी। उनसे उस पूरे लॉट में बहुत सारे ज़बरदस्त उसके अंदर पर्सनैलिटी की लड़कियाँ थी, लेकिन हेरा ही स्पॉन्टेनिटी, आई थिंक इट कम्स नेचुरली टू यू। और एक चीज़ जो आपकी थी विच वन माई हार्ट, कि जब तुमने वो क्राउन जीता तो तुमने अपनी अम्मी को स्टेज पर बुला के उनको तुमने वो क्राउन पहना था कि अम्मी इज़ बिकॉज ऑफ यू। अम्मी को छोड़ के अब ये नया सफ़र कितना मुश्किल है। बिल्कुल, एंड आई वुड लाइक टू से कि असफर आप उन बहुत यू वर वन ऑफ द फर्स्ट पीपल जिन्होंने वहाँ पे मुझे डिस्कवर किया था। हम लोग जब उस जर्नी के लिए भी गए थे तो आप मुझे याद है मैं आपसे पूछती होती थी आप मुझे बताएं मैं कैसे करूँ, मेरे मुँह पे बेबी फैट बहुत ज़्यादा है, मैं ट्रेनिंग करूँ, मैं क्या करूँ, और आपने जो गाइडेंस वहाँ पे दी थी वो अभी तक मेरे साथ है, और काम आती है वो ना? काम आती है बिल्कुल। अब वो भूल जाओ। और जहाँ तक अम्मी की बात है, डेफिनेटली इट्स डिफ़िकल्ट आप जब अपने घर के उससे आते हो, बट आई थिंक वो इसका बहुत सारा क्रेडिट मैं अरसलान को दूंगी कि ये जो है ही इज़ नॉट के वो वाले जो हस्बैंड्स होते हैं ना ज़िंदगी मुश्किल करने वाले, ये एक ऐसा साथी मिल गया है मुझे जिसने सफ़र आसान कर दिया है। अच्छा मैं जब अरसलान से मिला ना फर्स्ट टाइम, मुझे अरसलान की एक अच्छी चीज़ ये लगी, अरसलान इज़ टू नॉट वेरी आउटस्पोकन। अरसलान एक ग्रुप में भी चुप बैठा रहेगा, एक ग्रुप में अगर 20 बंदे हैं ना तो अरसलान बस बैठा हुआ होगा, ग्रुप का हिस्सा होगा, स्माइल करता रहेगा, बोलेगा कुछ। ये यू नो ही इज़ लाइक An introvert, I believe, थोड़ा सा। मुझे अरसलान एक बात बताएं, क्या चीज हीरा की पसंद आई को जब आपको लगा कि यार this is it? Lovely question. ये question पता है, हम लोग एक बार एक we were sitting in a group of friends और वहाँ पे हीरा ने मुझसे पूछा, I think इसकी किसी दोस्त ने मुझसे पूछा था कि हीरा की क्या चीज़ तुम्हें पसंद है, और मैं एक इंट्रोवर्ट हूँ तो मैं एकदम से मैंने कहा शिट, क्योंकि मुझसे कोई सवाल पूछता है इस तरह का तो मैं तो बिल्कुल वो हो जाता हूँ। वो चीज है जो मैंने बहुत कम लोगों में देखी है, और हम दोनों एक दूसरे को बड़ी अच्छी तरह बैलेंस करते हैं, बिकॉज मैं एक इंट्रोवर्ट हूँ, ज्यादा बोलता नहीं हूँ, तो मेरी जगह का वो बोल लेती है पूरा। और हीरा तो एक डायनासोर है। हीरा को तीन हीरा की तो इतनी प्रेजेंस है भाई माशाल्लाह। मतलब मुझे हीरा की जो बात अच्छी लगती है कि यूजुअली जब शूटिंग खत्म हो जाती थी तो हम लोग ऑफकोर्स इट वाज लाइक अ फैमिली, मैं आमना शेख और हरीम थी, हरीम फारूक अदान सिद्दीकी, तो मतलब सारे जजेस थे। हीरा बिल्कुल ऐसा लगता था कि बड़ी आउटस्पोकन, मुझे लगता था कि शी इज एन एडल्ट, जबकि छोटी है, एक बड़ों की तरह बात करना और इतना कॉन्फिडेंटली। मुझे मैं ये सोचता था कि अभी कभी आप जाती कुछ लोगों के बारे में एक अपना तज्जिया करते हैं ना दिमाग में, तो हीरा ने जब कंपटीशन जीता था, ऑफकोर्स उसके बाद फिर ड्रामा की जर्नी सबकी शुरू होती है आफ्टर यू विन एनी टैलेंट कंपटीशन, मुझे लगता था कि हीरा ये कमिट होने का फैसला बहुत शायद आगे जाके लेगी आफ्टर यूरो काफी अरसे के बाद। हीरा मुझे एक बात बताएं, क्या ऐसी चीज थी अरसलान की, वो एक मुझे एक वन पॉइंट होता ना वे यू डिसाइड के यार नहीं अभी एवरीथिंग कैन वेट एंड आई हैव टू गो दिस वे। When I so after that shows के बाद मैं कराची नहीं आई, मैंने अपनी डिग्री पूरी की लाहौर में और दो साल तो मैं लाहौर में थी, और जब मैं कराची शिफ्ट हुई, हम दोनों लाहौर से हैं लेकिन हम कराची में मिले एक म्यूचुअल दोस्त के थ्रू, जब मैंने अरसलान को देखा कि माशाल्लाह मैं मुँह पे कहती नहीं हूँ, ही इज़ अ वेरी प्रेजेंटेबल एंड अ गुड लुकिंग गाय, एंड यू नो जब आप एक ऐसे इंसान को मिलते हो आप सोचते हो इसके इर्द गिर्द तो मक्खियाँ और लड़कियाँ और इस तरह का इसका सीन होगा। शुक्र आज तारीफ सुनने को मिल रही है, मुँह पे मिलती नहीं। सो व्हेन आई मेट हिम मैंने देखा कि एक बड़ा इनकी परवरिश बड़ी अच्छी हुई हुई थी, कराची में ये रह रहे थे और कोई दोस्त नहीं, कोई कुछ नहीं, काम पर जाना वापस आना कोई इस तरह की नहीं, प्लस जिस तरह से मैं ये क्रेडिट इनकी अम्मी को दूंगी कि इखलाक तमीज़ लड़कियों के साथ रहने की, कि कोई डेस्परेशन नहीं है कि अच्छा ये वो, एक वो चीज़ मुझे आजकल के ज़माने में आपको ये चीज़ें नहीं मिलती हैं लोगों में ऑनेस्टली, एंड द फैक्ट
कि ये इंसान सच बोल सकता है. सो ये मैं अगर अच्छी नहीं लग रही तो मुझे इनको मुझे इम्प्रेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है. ये मुँह पे बोलते हैं. सो दिस इज़ व्हाट आई लाइक एंड आई वाज़ लाइक दिस इज़ द क्वालिटीज़. ये क्वालिटीज़ मैं अपने फ्यूचर में बच्चों के बाप में देखती हूँ. तो मेरा एक फ्रेम वही होता था किसी आदमी को देखने का कि कैन ही बी अ गुड फादर. या ही हैज़ टू बी अ गुड फादर रिगार्डलेस ऑफ द काइंड ऑफ पर्सन ही इज़. मुझे लगता है पार्टनर्स का एक दूसरे के साथ ईमानदार होना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. क्योंकि अगर आपने आगे से शुगर कोट करके उनको बोलना है तो यू आर नॉट बीइंग ऑनेस्ट विद देम. तो मैं इसलिए इसे कहता हूँ कि मैं एक ब्रूटली ऑनेस्ट गाय हूँ. अगर मेरी कोई दोस्त भी कोई गलत काम कर रही है तो मैं उसके मुँह पर बोलूँगा. अच्छा अरसा, मेरी जितनी भी आपके साथ एक ज़ाती कॉन्वर्सेशन रही शूटिंग पे या उस फैशन शूट पे, मुझे पता चला कि आप अम्मी को अपनी बहुत क्लोज रखते हैं. आप बिल्कुल. बहुत ज़्यादा अटैच हैं अपनी मदर से. ठीक है, और कहा ये जाता है, आई डोंट नो वेदर इट्स ट्रू और नॉट, बट आई बिलीव इट्स ट्रू इन अ वे, कि हर लड़का अपनी अम्मी का एक परसेंटेज अपनी बीवी में चाहता है कि हो, वो शबाहत हो किसी ना किसी तरह शख्सियत की, या कोई ऐसी चीज़ हो कि अपनी माँ की तरह का एक फिगर अपनी बीवी. तो कितनी सिमिलैरिटी है हीरा की आंटी में. आपने ये बात किया है, आई थिंक मैं लास्ट शो में जब मुझसे सवाल पूछा गया था कि मतलब क्या वो ऐसी चीज़ है, तो मैंने वो भी यही बात की थी कि मुझे हीरा में अपनी माँ की छवि नज़र आती है. हर लड़के को होता है थोड़ा सा कि यू नो मेरी मॉम इज़ शी इज़ वेरी केयरिंग और बस आउट ऑफ द वे चली जाएंगी लोगों के लिए और कुछ भी नहीं देखेंगी. तो हमेशा से मुझे था कि यार मतलब कोई लड़की ऐसी भी होगी जो मेरी माँ की तरह की होगी. और मैं जब हीरा को मिला और लोगों के लिए कुछ भी कर देना है आगे से, कुछ वो होते हैं ना नेकी कर दरिया में डाल. मतलब तो वो आजकल के जमाने में आई थिंक वो पिछले उसमें तो देखने को बहुत मिलती थी, बट आजकल के जमाने में इट्स नॉट वेरी कॉमन. गुड, तो वो आई थिंक आपकी बात बिल्कुल ठीक है. एक लड़का बिल्कुल देखता है कि अपनी माँ की तरह की हो थोड़ी सी लड़की. और अच्छा, लड़ाइयाँ होती हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स, झगड़े, आर्ग्यूमेंट, जंगे होती हैं. अच्छा, हीरा की शादी को कितने महीने हो गए? 7-8. हमारी शादी को जुलाई में 6 महीने हो जाएंगे. 6 महीने हो जाएंगे. और कितनी लड़ाई हुई है 6 महीनों में? 600 तो हुई. हम अभी कल हमारी सुलह है. हम 4 दिन से बात नहीं कर रहे थे. एंड वी डोंट इवन रिमेम्बर कि क्यों लड़े थे. और हम फिर इधर-उधर घर में सारे काम चल रहे हैं, जो जरूरत की बात हो रही है वो भी हो रही है, ये मसला हो गया वो भी डिस्कस हो रहा है, लेकिन बात नहीं कर रहे. उसके बाद फिर मैंने सिखा अरसान, हम लड़े थे क्यों, मतलब मैं भूल गई हूँ, इतनी लड़ाई हो गई कि लड़े क्यों थे. एंड देन वी पता है इतनी जल्दी सुलह होनी नहीं थी, बट हमने शो पे जाना था. मैंने कहा कर लेते हैं. चलो भाई, हम किसी के तो काम है. चलो इसी नोट पे खवतीन और हजरत लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक. अरसान और हीरा हमारे साथ मौजूद है, माशाल्लाह दे आप ब्यूटीफुल. मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर में. Welcome back, ladies and gentlemen. You're watching the Morning Star Eid Qurban Special. हमारे साथ हीरा और सलमान मौजूद हैं. और ईद का चांद एक बार फिर निकला. अपनी बात कर रहा हूँ. और हमारे साथ है शेफ नौरीन. सलामकुम शेफ नौरीन, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक. ईद मुबारक. ईद मुबारक. मैंने कहा बहुत किचन में खड़ी हो गई. एग्जैक्टली, थक गई किचन में. सांस ले लो. हाँ, बिल्कुल. आपकी बहुत बड़ी फैन है. So इन्होंने sweet. आपका कोई प्ले देखा था हानिया के साथ और कह रही है बहुत बहुत क्यूट है, दिल चाहता है उसे बाइट कर लूं. मैंने खुदा के लिए, मैंने कहा आप एक शेफ हैं, ये बाइट वहां तक रहने दो, मत लेके जाएं. ये खुद बहुत स्वीट है. इन्होंने अभी आते हुए मेरा एक इयररिंग्स का मसला हल किया. और अब जब से मुझे खाने की खुशबू आ रही है ना, तो मैं आपके प्रोड्यूसर से पूछी थी, सुने खाने का क्या सीन है, कब तक बनेगा? आपको पता है इस सेट पे मैं किसी से भी पंगा ले सकता हूँ सिवाय शेफ नौरीन, क्योंकि आपको नहीं पता खाने में कुछ भी मिला सकती है. और फिर ऑनर मुझे कहती है अस्फर, अब चखे तो सही, अब वो चखने में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. उसके अलावा मेरे पास नाइफ्स होती है, टूल्स होते हैं. खुदा के लिए, ईद का शो है, या आप ये बताना चाह रही हैं आप कसाई का भी काम कर रही हैं? बिल्कुल. ये बताना चाह रही हैं
कितने बिजनेस शुरू करेंगी नौरीन खुदा के लिए, कुछ तो हमारे लिए भी छोड़ दें आप। लेकिन खवातीन और हजरात, आज ईद का दिन है, वैसे आज क्या है मेन्यू में, आज क्या क्या? आज हमारी बन रही है पेशावरी कढ़ाई एंड ब्रेड मसाला और एक ट्राइफल बन रहा है, कस्टर्ड बना, मैंगो ट्राइफल। भाई वो तो बहुत बेहतरीन था। अच्छा, शीर खोरमा। अच्छा अच्छा था शीर खोरमा। आई लव बकरीद, पे खैर कम लोग बनाते हैं, लेकिन मेरे घर में होता है शीर खोरमा। मुझे बात बताओ हेरा, अभी तक कुछ पकाया घर में? हाँ मैंने कुछ बनाया था ना अभी के अरसलान का बस नहीं था कि अपने कानों को हाथ लगाए लेकिन कोई बात नहीं, अरसलान आप लगा सकते हैं अपने कानों को। मैं बताती हूँ मैंने बनाया नहीं, नहीं आप मत बताएं, अरसलान आप बताएं उनको। अभी बनाया है कि जनरली बनाती हूँ? आपको जो बनाया मैं वो नहीं कह रहा मैं पूछ रहा हूँ किचन में अब तक इन्होंने क्या क्या बनाया। नहीं हीरा, शुरू शुरू में तो जरा एक दिन इसने पराठे बनाने की कोशिश की थी इनिशियली, और वो पराठे के चार टुकड़े कभी इधर से गिर रहा है कभी इधर से गिर रहा है तो वो, बट बहरहाल पराठा ऑल इन ऑल बड़े मजे का था। लेकिन अब तो हीरा काफी प्रो हो गई है, जाती अच्छा, है इसको बहुत शौक है, जाती है जाके किचन में आधी रात को शुरू हो जाएगी। अच्छा मैं यहाँ पे कराची में बनाती हूँ खाने, ससुराल में अभी तक ऑनेस्टली कुछ नहीं बना सकी। अच्छा अभी तक नहीं बनाया, इसकी क्यों खास वजह? मैं अभी तक ससुराल वालों को वैसे स्पॉइल करना नहीं चाहिए। नहीं नहीं मेरे ससुराल वालों ने मुझे इतना स्पॉइल किया हुआ है, मैं अभी शादी में 6 महीने होने वाले, मैं टोटल 11 दिन रही हूँ वहाँ पे, बिकॉज वी आर वर्किंग है, सो हम यहाँ पर आ जाते हैं। तो मेरी जो सास है ना, मैं सुबह सोकर उठती हूँ, और मैं टच वुड, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं सोती हूँ उठती हूँ और मेरी चाय मेरे बिस्तर पे पड़ी होती है कि बेटा तुम काम करके आती हो, रात की चाय चाय वहाँ होती है, तो उन्होंने तो मुझे इतना बिगाड़ा हुआ है। नहीं क्योंकि मुझे एक बात पता, अरसलान की अम्मी बहुत ज्यादा अरसलान से अटैच्ड है, और वो बहुत ज्यादा ऑफकोर्स आई थिंक आप लोग कभी भी जितने भी बड़े जितने भी कामयाब हो जाए, आई थिंक जब तक माँ जिंदा होती है, अल्लाह सबकी माँ को सलामत रखे, वो एक ऐसी फोर्स है, वो एक ऐसा सूरज है जो चाहता है हर वक्त रोशनी आपको। बिल्कुल वो आपको, आई थिंक वालदैन कोई भी है जो आपको स्पॉइल ही करते हैं। नाउ दैट यू नो वी आर पेरेंट्स, अब हमें लगता है कि अपनी औलाद की तरफ आप बच्चों को बस स्पॉइल ही करते हैं। बिल्कुल लेकिन कभी है ना नौरीन, आप भी उस दिन यही मुझे बता रही थी। बिल्कुल कि जिस तरह मुझे होता है कि कभी मेरा बेटे यू नो माय किड्स आर लाइक आउट ऑफ, कभी हाथ से बाहर निकल रहे हैं, थोड़ा सा मुझे तो करने दो यार कोई बात नहीं, टेक केयर ऑफ इट। या एग्जैक्टली, सो स्वीट नौरीन, लेकिन बहुत सख्ती से पेश आती है। आना चाहिए खवातीन को, आना चाहिए, क्योंकि फिर बच्चे जो होते हैं वो थोड़ा, हमारी भी अम्मा ही सख्त है, अब्बा ने तो छोड़ा हुआ था, फ्री हैंड दिया हुआ था। नौरीन अब सख्त तो नहीं है वैसे बच्चों? नहीं मैं सख्त हूँ, लेकिन जो अमार के डैड है वो सख्त नहीं है बिल्कुल भी। तो एक को सख्त होना चाहिए, जरूरी है ये। लेकिन अब आप किस हद तक सख्ती पे चली जाती है? मतलब सख्ती से मतलब ना मैं मारती हूँ, मैं से मेरी बस वो आंख से डरता है, वो शेर की आंख जो होती है। खिलाओ सोने का निवाला और देखो शेर की आंख। हाँ ये बात तो वैसे है, मेरे ख्याल से पेरेंट्स को आजकल के दौर में खास तौर से थोड़ी बहुत एक नजर तो रखनी चाहिए। अच्छा अरसल करियर की अगर बात करते हैं, आप लोग एक दूसरे के प्रोजेक्ट्स के अंदर एक दूसरे से मशवरा लेते हैं? बिल्कुल, मेरे ख्याल से कि हमारा फाइनल डिसीजन एक दूसरे को पूछे बगैर नहीं होता बिल्कुल भी। कोई भी ये एक्टिंग कर रही है तो मैं बड़ी गौर से देखूंगा, ये तुमने इसका मेरे हम सोच में के बोलना अरसला देखो तुम्हें जो जवाब देना है जवाब पहले यहाँ दो फिर देख ले। पहले मत देखो। सो खैर ये एक ड्रामा करी थी वो पागल सी, और उसमें एक चीज ना ये कॉन्स्टेंटली रिपीट कर रही थी अपनी आंखों ना ऐसे करके। मैंने कहा हेरा तुम्हें जब भी गुस्सा आता है तुम ऐसे क्यों करती हो? कहती नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने ना एक कोलाज बना के ना मैंने इसको दिखाया, मैंने कहा ये देखो जब गुस्सा आ रहा है तो फिर इसने इसको जाके प्रॉपरली वो किया, क्योंकि मैंने थिएटर किया हुआ तो मुझे जरा थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की ज्यादा आदत है। बट वी आर ईच अदर्स और ज्यादा कंधों पे हाथ रखना और इस टाइप की कोई चीज नहीं है तुमसे सवाल ये क्या मैंने तो पूछा ही नहीं अरसलान से, मैं तो हेरा से बताए प्लीज। नहीं मुझे नहीं लगता, क्योंकि मुझे इनका एक चीज का बस पता है जिंदगी में, और कुछ पता हो या ना हो, आई नो दैट दिस गाय ही नोज हिज लिमिट्स, सो आई ऑलवेज टेल हिम व्हेन यू आर वर्किंग भूल जाए इधर उधर क्या हो रहा है, जस्ट फोकस ऑन योर वर्क। जिस दिन मुझे पता चलेगा कुछ
उस दिन फिर लेकिन आपने कोई इस तरह की लिमिटेशन नहीं हमारी हम दोनों के आपस में नहीं है नहीं है बिल्कुल भी नहीं है और अरसलान आपकी नहीं नहीं मेरी बिल्कुल भी नहीं है काम काम होता है मुझे पता है हीरा को अपनी वो देखना आता है अच्छा हीरा आप कोई मूवी भी कर रही थी आई बिलीव थोड़े अरसे पहले आई वॉज एंड बट उस फिल्म का वो मेरी करियर की पहली फिल्म थी मतलब मैं उससे पहले कोई काम नहीं कर रही थी फिर मुझे बाद में पता चला कि वो जो उस फिल्म के डायरेक्टर थे वो लोगों से पैसे लेते थे थोड़ी सी फिल्म शूट करते थे और फिल्म बंद कर देते थे सो दिस वाज अ पैटर्न और वो फिल्म अभी तक नहीं बनी मेरी शादी हो गई मेरी जिंदगी गुजर गई वो फिल्म बन रही है अभी भी और वन ऑफ द कॉलीग्स जो उसमें काम कर रहे थे मैंने उनसे पूछा क्या बना कहता आखिरी स्पेल रह गया मैंने कहा चलो यार अल्लाह तुम लोगों को कामयाब करे किसी और को बुक किया उन्होंने लिया और उसके उस लड़की मेरे साथ भी 70% शूट कर ली थी मेरा एक साल उन्होंने जाया किया उसके बाद उस लड़की के साथ भी शूट कर ली और वो पड़ी हुई अभी वो फिल्म तो अल्लाह ताला खैर करे मेरी दुआ है दुआएं हमारी मेरी दुआ है उनके लिए बिल्कुल बिल्कुल वैसे हीरा कोई भी प्रोजेक्ट यू नो बिफोर टेकिंग अप आप किन चीजों का ख्याल रखती हैं आई जस्ट फील के एक तो पहले तो जब काम नहीं मिल रहा था तो कुछ भी मिल जाता पहले तो रजिस्टर होना था बट अब मैं ये सोच रही होती हूँ कि एटलीस्ट मैं अपने पार्ट पे इस तरह की स्क्रिप्ट प्ले करूँ जहाँ पे मैं रिस्पॉन्सिबली कोई मैसेज कन्वे कर सकूँ मैं कुछ अनफॉर्चुनेटली हमारी ड्रामा इंडस्ट्री में हम काफ़ी चीज़ों को चाहे शायद सब कॉन्शियसली भी मासेस में प्रमोट कर रहे होते हैं सो मेरी ये कोशिश होती है मेरा जो पहला कैरेक्टर भी था इट वॉज़ अ नेगेटिव गर्ल बट उसमें भी वो लड़की वो मारना रोना धोना टाइप ने आई डोंट डिसएग्री विद रोना धोना इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ हम टी वी पर भी वो दिखाते हैं बट उसको ये दिखाना कि किसी का टॉर्चर लेना सही है किसी से मार खाना वो नहीं मैं कर सकती सो बस कुछ चीज़ों का कुछ एथिक्स का कुछ मॉरल्स का कि एज एन एक्टर मैं अपने क्राफ्ट को किस तरह से रिस्पॉन्सिबली पेश कर सकती हूँ ये बड़ी अच्छी बात है एग्जैक्टली एट सच अ यंग एज और अभी आपका जर्नी एक्टिंग की तकरीबन शुरू ही हुई बिल्कुल ही शुरू हुई है तकरीबन भी इतना रिस्पॉन्सिबली एक्ट करना इन द बिगिनिंग ऑफ योर करियर आई थिंक एक बहुत ही वाइज डिसीजन होता है आई हैव लर्नड इट फ्रॉम माय सीनियर्स हां थैंक यू सो मच लेकिन अरसा मुझे बताएं जब आप कोई प्रोजेक्ट पे कर रहे होते हो लड़कों के पास आजकल आई थिंक नेगेटिव कैरेक्टर्स का एक बहुत ही जबरदस्त मार्जिन आया हुआ है पहले तो नेगेटिव कैरेक्टर्स के अंदर इतना मार्जिन नहीं होता था लेकिन अब वो छाए हुए होते हैं पूरे पूरे सीरियल्स में आपने कभी अपने आप को लिमिट किया कि यार मैं ये वाले रोल्स नहीं करूँगा या ये मैं स्क्रीन पे कभी नहीं करूँगा जिस तरह मैंने ज़ाती तौर पे हमेशा से एक चीज़ जो मैं अपने प्रेज में करता हूँ मैं कभी भी खवातीन पे हाथ नहीं उठाता अगर स्क्रिप्ट में भी होता है तो आई स्टेप बैक मैं कहता हूँ ये मैं नहीं कर सकता बिल्कुल आप मुंह जबानी जो बोलना है बोल दें हाथ उठाना तो आप एंडोर्स कर ही नहीं सकते मैं इस चीज के सख्त खिलाफ हूँ चाहे वो स्टोरी की डिमांड हो किसी भी चीज की डिमांड हो खवातीन के ऊपर टेलीविजन पे हाथ उठाना इज अगेंस्ट माय एथिक्स आपका इस तरह का कोई नहीं बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं खैर मुझे अभी तक इस तरह का कोई कैरेक्टर ऑफर नहीं हुआ एंड मैं बिल्कुल नहीं करना चाहूँगा ये बिल्कुल भी बट जहाँ तक कैरेक्टर्स का सवाल है मुझे लगता है कि मुझे कोई भी कैरेक्टर मिलेगा तो मुझे याद है मैं अपने थिएटर में एक बार दरख्त बन के खड़ा हुआ था थिएटर का एक शो किया था बट खैर अभी दरख्त तो नहीं बनना चाहूँगा क्योंकि थोड़ा सा बेहतर करना चाहूँगा बट नहीं मुझे इतना कोई वो नहीं है मैं कोई भी इनफैक्ट नेगेटिव कैरेक्टर्स का ये होता है कि आपके पास मार्जिन बहुत ज़्यादा होता है मेरा जो डेब्यू था मैंने एम टी वी के साथ किया था दैट वॉज अ नेगेटिव कैरेक्टर बट उसमें खेलने का आपको बहुत कुछ मिल जाता है मार्जिन बहुत होता है मुझे लगता है कि पॉजिटिव कैरेक्टर्स में इतना ज़्यादा नहीं होता आई थिंक शायद पाकिस्तान स्पेशली जिस तरह के पॉजिटिव कैरेक्टर्स लिखे जाते हैं थोड़े से कभी कभी मोनोटोनस हो जाते हैं बोरिंग भी हो जाते हैं हाँ तो मैं मुझे नेगेटिव कैरेक्टर्स करने का बहुत मुझे कैरेक्टर्स इटसेल्फ करने का बहुत शौक कैरेक्टर्स में बड़ा मार्जिन होता है आई थिंक आपको वो यू नो इफ द रोल इज मीटी तो फिर वो करने में भी बहुत मजा आता है खवातीन आजाद अरसलान और हीरा हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं और अब ब्रेक के बाद हम जाएंगे किचन की तरफ और किचन में क्या होगा ये आप लोग भी विटनेस करेंगे वक्त हो जाता है छोटे से ब्रेक का मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद मुझे एक बात बताएं आप लोग जब साथ में शूटिंग कर रहे होते हैं आप लोगों ने बड़ी जबरदस्त एक शॉर्ट फिल्म की नाम बदल देना व्हिच वेंट टू कांस फिल्म फेस्टिवल उसमें कैसा लगता है साथ काम करके अच्छा लगता है उसमें आई थिंक दो चीज़ें हैं कि हम लोग बिकॉज कंफर्टेबल बहुत हैं एक दूसरे के साथ तो वो केमिस्ट्री जो है वो नज़र आ रही होती है तो वो थी भी इस तरह की एक कपल था एंड अ सॉर्ट ऑफ वेरी लवी वाला इंटीमेट तो वो लेकिन इनका ये होता है कि ये जब हम मैं एक्टिंग कर रहा हूँ और किसी सीन में अगर मैं नर्वस हूँ नेचुरल एक्टिंग करो क्या करो
यार तुम मुझे क्या कर रही हो, मुझे तुम सो ये थोड़ा सा ना मुझे लाइक वो मेरी क्रिटिक की तरह वो करना शुरू हो जाती है. तो मैंने यही कहता हूँ कि मुझे एज अ को एक्टर लें, आपको एक्टर को डांट नहीं सकती. ठीक है, तो वो it was a very good experience. तो तुम्हें कैसा लगता है when you're working? So of course it's a comfortable place because I know him and everything, but I also feel like that because both of us when we go home and when we discuss work, तो हम लोग जब काम की भी discussions वगैरह कर रहे होते हैं तो जब उसको कैमरा पे एक साथ परफॉर्म कर रहे होते हैं ना तो कुछ मैजिक ऐसा होता है मुझे लगता है कि होता है जो आपकी आंखों से ही हो रहा होता है. किसी को एक्टर के साथ आपको एफर्ट डालनी पड़ती है पहले आपको. मेरी यही आदत है, मैं जिसके साथ भी काम करती हूँ मैं थोड़ी सी बात करने की उनसे कोशिश करती हूँ ताकि बहुत मैकेनिकल ना लगे स्क्रीन पर. यहाँ पाकिस्तान में आप बहुत ज़्यादा बात भी नहीं कर सकते किसी से बिकॉज पीपल लाइक मसले हो जाते हैं. तो इनके साथ एक अच्छी बात यह है कि आप हमें स्क्रिप्ट दें और हम आप एक्शन बोलें, पका लेंगे इसको. आप एक्शन बोलें एंड यू नो कुछ ना कुछ अच्छा कढ़ाई बना के देंगे मजे की जो आपके. तो वो एक मजे का एक्सपीरियंस होता है. लेकिन मैं ये भूल जाती हूँ कि सेट पे ये मेरे को एक्टर हैं तो मैं समझती हूँ कि ये मेरे शौहर हैं. और फिर उसका फायदा भी इनको ये होता है कि इनकी चीजें मैं संभाल रही होती हूँ, इनकी सारी, इनको कुछ नहीं पता होता. ये साहब उठते हैं सुबह, मैं इनका सामान सब देख के तो हम सेट्स पे आ जाते हैं. हाँ, उसका नुकसान ये होता है कि जैसे मैं घर पे होती हूँ वैसे ही मैं कभी कभी सेट पे हो जाती हूँ. बट अब मैं उस चीज़ को जरा कंट्रोल कर रही हूँ कि नहीं नहीं खराब हो जाएगा काम, घर जाके फिर बात सुननी पड़ जाएगी. लेकिन हेरा जब एक्टिंग कर रहे होते हो ना तो ऑफकोर्स जिस तरह भी अरसान ने बताया कि कभी कभी आपको लग रहा होता है यार ये ऐसे और बेहतर हो सकता है. लेकिन मुझे लगता है कि जब आप अपने पार्टनर के साथ आप एक्टिंग कर रहे होते हैं और आप एक प्रोफेशनल एनवायरमेंट होते हैं, मुझे लगता है आई फाइंड इट अ बिट डिफिकल्ट. Yeah. मुझे लगता है थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि आप बोल सकते हैं नहीं बोल सकते कहीं. और फिर कभी कभी दो लोगों के बीच में ना एक डिस्कम्फर्ट भी होता है एक्टिंग करते हुए कि डायरेक्टर कुछ कह रहा है, यार तुम कुछ कह रही हो, मैं तुम्हारी सुनूं या मैं डायरेक्टर की सुनूं, क्योंकि योर डायरेक्टर इज आल्सो क्वाइट टफ. अर्शला जो थी नहीं वैसे अब जब डायरेक्टर इज द बॉस सो उसमें तो ऑब्वियसली आई कांट या कोई भी कुछ नहीं बोल सकता. बट आई फील लाइक इतने सारे को एक्टर्स में इफ आई हैव टू आई एम नॉट बायस्ड, मैं सच बोल रही हूँ कि जब इनके साथ मैंने शूट किया था तो मुझे बहुत मज़ा आया था. क्यों? क्योंकि अगर मैं हमारे बहुत एक्सटेंसिव वर्क आवर्स भी हो जाते हैं उसमें भी एक इंसान मुझे पता है कि सेट पे मैं परेशान हो रही हूँ या मुझे गुस्सा आ रहा है या मैं अपसेट हो रही हूँ, मेरी तबीयत खराब हो रही है. सो कोई को एक्टर तो वो अपने कमरे में होंगे ना, उनको तो नहीं पता. ही इज उनकी बला से मैं जीऊँ या मरूँ. ये बेस्ट चीज है हीरा के बारे में, देखा ना एंडोरी ना आपने, दिस इज द बेस्ट थिंग. उनकी बला से तो ये तो वहां पे है हम काम. और इन्होंने वो फिल्म मुझसे पूरी करवाई थी क्योंकि हम काफी लंबा हमारा प्रोसेस चला गया था, मैं थक गई थी. मैंने कहा सलान मुझसे इतना मुश्किल सीन नहीं होगा. हाथ पकड़ा है मैं इज लाइक हम कर सकते हैं, यू नो यू कैन डू इट. सो ये एक अच्छी चीज है कि सेट पे सपोर्ट मिल जाती है आपको. साथ साथ मुझे चित्र पड़े होते हैं जहां भी ये नहीं कहना था. अब हम चलते हैं किचन की तरफ और नौरीन आप तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है. रेडी स्टेडी गो. हाँ मैं चाहता हूँ अभी आप थोड़ी सी और तैयार हो, एक छोटा सा ब्रेक ब्रेक से शुरू करें अपना सब. बिल्कुल जी, चले हम चलते हैं छोटे से ब्रेक पे, आप कहीं नहीं जाएगा. वी विल बी राइट बैक. वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार ईद कुर्बान स्पेशल और हेरा और अरसलान किचन में मौजूद हैं. और आज हम अरसलान से बनवा रहे हैं मटन कढ़ाई. वो खा के अगर आप जिंदा रहे तो गुड लक. अच्छा ऐसा होगा तो फिर छोड़े मत नहीं पकाते. मुझे एक बात बताओ हेरा, सच अरसलान कितनी दफा किचन में जाते हैं? साल में अभी साल हमें हुआ नहीं है लेकिन 6 महीने में 3 बार. हाँ. वो भी जब अपना चाय का कप रखना हो या उठाना हो या पानी, तो वैसे ही वो बहुत कम पीते हैं. सो बस तब बस, वरना कोई काम नहीं होता किचन में. हाँ. अच्छा नहीं नहीं हाँ? जब मैं सुबह उठ जाऊँ और मुझे काम पे जाना और मेरी तबीयत नहीं सही हो, सो ही मेक्स चाय फॉर मी, ही मेक्स ब्रेकफास्ट. बट दैट आल्सो हैपेंस वेरी रेयर. नहीं तबीयत सही हो भी तब भी आपको ऑमलेट जो है वो चीज वाला ऑमलेट मिलता है. टू टाइम्स ओनली. अच्छा, खवातीन और हज़रात इस वक्त हीरा और अरसलान किचन में मौजूद है लेकिन इस साल की
हमारी जो थीम है ईद कुर्बान की वो यही है कि खवातीन किचन में अकेले सफाइयां नहीं करेंगी, आपको हाथ बटाना है, सारे मर्द हजरात को खवातीन का किचन में हाथ बटाना है। वैसे हीरा मुझे एक बात बताएं, दो मिनट में कितने बर्तन धो लेती हैं? मुझे तो ये हाथ देखें घिस चुके हैं, आई एम जस्ट किडिंग, लेकिन मैं धो लेती हूँ 10-12-13 टाइप। अच्छा, अरसलान दो मिनट में कितने बर्तन धो सकते हैं? अरसलान 3-4 दो मिनट में 3-4 नहीं, आई थिंक तीन तो धो लेंगे, तीन तो बेब अब धो लेंगे मतलब। अरसलान ये तो बात अब इज्जत पे आ गई है ना। अच्छा, मैं अब आपको एक बहुत ही जबरदस्त हैक बताता हूँ खवातीन और हजरात, जब बर्तन धोने के लिए आप लोग किचन में जाते हैं खवातीन और हजरात, तो एक तो पानी बहुत जाया करते हैं, दूसरा जो लिक्विड सोप होता है वो बहुत ज्यादा जाया होता है। मैं बड़ा ही जबरदस्त आपको हैक बताने लगा हूँ। विम ने ये बहुत ही शानदार कॉन्सेंट्रेट लॉन्च किया है। इस कॉन्सेंट्रेट के साथ आपने क्या करना है, अगर आपके पास खाली बॉटल मौजूद है तो जरा सा आप इस बॉटल में डालिए, इस बॉटल में डालने के बाद उसमें पानी भरिए, इसको शेक कीजिए, एंड दिस कॉन्सेंट्रेशन विल बी एज गुड एज दिस वन। ये उतना ही पावरफुल होगा जितना पावरफुल ये है। इसको दोबारा से आप कबर्ड में रख दीजिए और इसको इस्तेमाल कीजिए। अच्छा, इसको आपने पानी डाल के कॉन्सेंट्रेट बना लिया, शेक किया, जरा सा आपने डाला बर्तन पे और बर्तन चमक जाएंगे, पानी भी कम जाया होगा और आप देखें कितनी बचत होगी। ये तो वाकई, क्योंकि हम जब घर में हाउस हेल्प होती हैं उनको हम ये देते ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि कि ये सारा ज़ाया हो जाएगा अगर आप, क्योंकि वो डायरेक्टली उस पर डालेंगी तो बचत वाला तो सीन ख़राब हो जाएगा। बट अगर आप जो कह रहे हैं वो सच है कि ये विम हम एम्प्टी बॉटल में डालेंगे और उससे बर्तन धुल जाएंगे, तो मेरी जैसी खवातीन की ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी, ईजी ऑन द पॉकेट, और बर्तन भी बिल्कुल बिल्कुल साफ और शफाफ। तो सिर्फ घोलो और धोलो, ये हमारी आज की थीम है। और अगर आपके पास खाली बॉटल नहीं हो तो एक प्याला लीजिए, उसके अंदर पानी भरिए, जरा सा कतरा आप इस कॉन्सेंट्रेट का डालिए, एंड यू आर गुड टू गो, और बर्तन साफ कीजिए। और अब हम दो मिनट का वक्त दे रहे हैं अरसलान को। आप किचन में हीरा किसी चीज को हाथ नहीं लगा सकती, आप सिर्फ टाइम करेंगी इस पूरी एक्टिविटी को, ठीक है। अरसलान आपने क्या करना है, आपने खाली बॉटल में जरा सा विम डालना है, पानी ऐड करना है, कॉन्सेंट्रेशन बनाना है और फिर आपने बर्तन धोने हैं। लेकिन ये सारा एक्टिविटी जो होगी वो होगी सिर्फ दो मिनट के अंदर अंदर। टाइमर रेडी है, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आग भी टका के लगाए मैं। वाह वाह, ये दाग नहीं निकल रहे, जोर से करिए, जोर से करिए, ये निकल ही नहीं रहे, दाग नहीं निकल रहे। जान लास्ट मिनट धोए तो सही तरह यार, इस पे दाग है, मेरा नहीं निकल रहा, ये देखें। ये जान पूछ के मुझे ये प्लेटें दी है, आई एम सॉरी, ये दाग नहीं निकल सकते। कौन बे? 30 सेकंड आखिरी लास्ट 30। इट इज सो फनी, ये हो गया। And your time's up. मुझे एक बात बताएं, कितने बर्तन धुले? 5। कितने नौरीन गिने जरा? I think 5 ही हैं। 1, 2, 3, 4 और 5। और आपने, हेरा, you were close. I'm very proud of you. अगर आप घर में ही करते कितनी दुआएं आपको मिलेंगी। अब ये कैसे घर में करेंगे?
देखो हीरा, आपने तुम्हें नई चीज सिखा दी। अब ये काम घर में हो सकता है? बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, ये घर में होता है, आपको होता लग रहा है, ये नहीं होता, ये बहुत होता है। अच्छा, मतलब तुम कर रहे होते हैं घर में काम, जबरदस्त। एक तो देखिए पानी बहुत कम खर्च हुआ, बर्तन बिल्कुल साफ हुए, और दूसरी चीज ये कि आप अगर स्प्रे, अगर आपके पास स्प्रे गन हो तो आप स्प्रे गन में भी कॉन्सेंट्रेट डाल के अपना किचन साफ कर सकते हैं, सर्फेसेस किचन के साफ कर सकते हैं, काउंटर साफ कर सकते हैं। तो विम एक मल्टीपर्पज कॉन्सेंट्रेशन है और बहुत ही जबरदस्त। इट वॉज अ वेरी गुड एक्टिविटी, आप लोगों के लिए तालियां। और नौरीन भी बहुत खुश है। नौरीन, अपने बर्तन यहाँ ट्रांसफर कर दीजिएगा। बिल्कुल, मेरे आधे बर्तन तो धुल गए। धुल गए। कवती रोज रात वक्त आ जाता है एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार, ईद कुर्बान स्पेशल। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार, ईद कुर्बान स्पेशल। और जब कुर्बानी की बात आती है तो हम चलते हैं कुर्बानी की हीरोइन की तरफ। हमारे साथ है नौरीन, शेफ नौरीन जी। शेफ जी, शेफ आज हम क्या बना रहे हैं? देखिए आपके नाम पे किस तरह की आवाज़ें निकाल रहे हैं। मैंने कुछ नहीं किया, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। इनको मैं खाना नहीं दूंगी आज। हाँ बस, बेहतरीन जी। अच्छा, आज हम बनाने जा रहे हैं वो है ब्रेन मसाला, ठीक है, और एक हम बनाएंगे पेशावरी मटन कढ़ाई। हम ये दो चीज़ें बना रहे हैं आज, और जिस चीज़ में हम बना रहे हैं दैट इज़ कश्मीर ऑयल एंड बनास्पति, जिसमें 101% लाइक 100% ये प्योर होता है, फुल ऑफ न्यूट्रिशन एंड विटामिन ए एंड डी 3 इसमें शामिल होता है, जैसे प्योर और खुलूस में कोई मिलावट नहीं होती है। आप लोगों की इस तरह इसमें भी कोई मिलावट नहीं है, तो ये बिल्कुल साथ साथ रखता है, सबको मोहब्बत से रखता है, और इसको खाने में बहुत मज़ा दोबाला कर देता है। तो हम कश्मीर कुकिंग ऑयल में हम बनाएंगे ब्रेन मसाला एंड पेशावरी कढ़ाई। तो हम सबसे पहले ब्रेन मसाला से शुरू करते हैं। अच्छा, इसमें मैंने दो ब्रेन्स लिए थे व्हील के, लाइक बछड़ा जो होता है उसके मैंने दो ब्रेन्स लिए। उसको मैंने पहले बॉईल किया नमक डाल के, उसके बाद जब बॉईल किया 5 to 7 minutes, तो उसके ऊपर वेन्स होती है जो थोड़ी सी डार्कर शेड्स में आ जाती हैं, तो आपने उसको वो निकालना होता है। उसके बाद उसको निकाला, उसको दोबारा से हल्के से उसको वॉश किया लाइक नीम गर्म पानी से। अगर आप ज़्यादा करेंगे तो ब्रेन पूरा यू नो मैशी हो जाएगा। आपने वेन्स निकाल दी, उसके बाद हमने इसको थोड़े मोटे मोटे पीसेस में काट के रख लिया, ठीक है। इसके अंदर जाएगा लीमू का रस, काली मिर्च का पाउडर, टर्मेरिक पाउडर, हल्दी का पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्चें, और ये जो मैं आपको हमेशा एक मसाला बताती हूँ, जीरा एंड साबुत गोल मिर्च होती है, क्यूमिन सीड्स एंड साबुत गोल मिर्च, रेड होल चिलीज, उसको हल्का सा हमने पैन में रोस्ट किया, फिर हमने उसको कूट लिया या आपने ग्राइंड कर लिया, वट एवर, ठीक है। टोमेटोज इसमें जाएंगे 3 to 4 जो कि मैंने चॉप करके रखे हुए थे। अच्छा, इसके अंदर जाएगा दही, ठीक है, 3 to 4 tablespoons। इसमें योगर्ट हम डालेंगे जो खट्टा वाला योगर्ट होता है, ठीक है, वो हमने डालना है। इसमें 6 to 7 हरी मिर्चें जाएंगी जो कि चॉप्ड हुई हुई हैं, ठीक है। तो ये हम अपना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने वोक को फ्लेम ऑन किया, ठीक है, ये हम यहाँ रख देंगे इसका रेट। इसमें हम डालेंगे कश्मीर कुकिंग ऑयल, इसमें हमने डालना है लाइक 1/2 cup, ठीक है। हमने कश्मीर कुकिंग ऑयल डाल दिया इसके अंदर। अच्छा, उसके बाद हम डालेंगे इसमें, अच्छा ये हमारे पास प्याज है चॉप, एक मैंने मीडियम अनियन ली थी, अब ये थोड़ा सा ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम इसमें ये चॉप अनियन डाल देंगे, ठीक है। ये हमने चॉप्ड अनियन डाली, इसमें एक जाएगी बिल्कुल जैसे फाइनली चॉप्ड होती है ऑमलेट की तरह, हम जो प्याज काटते हैं सरस के, हमने इसको ब्राउन करना है, ठीक है, हमने इसको थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन करना है। अच्छा, साथ साथ मैं इसके डालूंगी करी लीव्स हैं, ठीक है, ये करी लीव्स इसमें चले जाएंगे 7 to 8। हमने इसको थोड़ा सा चलाना है लाइक स्टर फ्राई करना है, जब ये अपना जो अनियन है थोड़ा सा कलर चेंज कर ले लाइक गोल्डन ब्राउन हो जाए, तो फिर हम इसके अंदर बाकी के सारे जो मसाले हैं टोमेटोज हैं हम इसमें ऐड कर देंगे, फिर एंड में हमने ब्रेन डालना है, क्योंकि अगर हम पहले डाल देंगे तो ब्रेन बिल्कुल मैशी हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि भुरता सा कुछ बन गया है। तो थोड़े से मोटे मोटे पीसेस आते हैं, चंक्स आते हैं ब्रेन के, तो ज़्यादा मज़े का लगता है, तो हम इसको एंड में डालेंगे, पहले मसाला इसका बना लेंगे टोमेटोज के साथ, ठीक है। ये हमने प्याज और इसमें करी लीव्स डाल दिए। अच्छा,
चाहिए, थोड़ा सा देखिए लाइट सा गोल्डन सा ब्राउन हो रहा है, तो अब इसमें ऐड करेंगे टोमेटोज, 3 to 4 हमने चॉप करके रखे थे. अच्छा, टोमेटो शुड बी रेड, थोड़े से लाल टमाटर लीजिएगा, ये हमने इसमें ऐड किया, ठीक है. चाहे तो इसको हम लोग ब्लेंड करके भी डाल सकते हैं टोमेटोज को, हम लोग मतलब जैसे ब्लांच करें. मैं हमेशा आपको बताती हूँ ब्लांचिंग कैसे करते हैं. पानी आपने बॉईल किया पतीली में, ठीक है, उसके बाद आपने टोमेटोज को डाल दिया, ऊपर से जो उसका जो टॉप होता है वो काट के आपने डाल दिया, उसको ढक दिया. 5 to 7 minutes ये थोड़ा सा ब्लांच होगा. आपने चूल्हा बंद कर दिया, फिर इसका छिलका आपने उतार के उसको बिल्कुल मैश कर लिया या ब्लेंड कर लिया, ठीक है. इस तरह से आप बना सकते हैं. चलिए जी, अब ये से टमाटर मैंने इसमें डाले, अब मैं इसमें डालूंगी लेमन का जूस, अराउंड 1 tablespoon इसमें जाएगा, ठीक है. ये ग्रीन चिलीज हैं, इसमें 3 to 4 चॉप्ड हम डालेंगे अभी, बाकी हम बाद में डालेंगे. अच्छे जी, ये है टर्मेरिक पाउडर, इसमें जाएगा 1/2 teaspoon. ब्लैक पेपर पाउडर 1/2 teaspoon. कुटी हुई लाल मिर्चें ये भी जाएंगी, अराउंड 1 teaspoon, ठीक है. अच्छा, ये कुटा हुआ भुना हुआ मसाला ये इसके अंदर जाएगा, 1 tablespoon. हमने इसको थोड़ा सा चलाएंगे, ये इसके साथ आप पराठे से खाइए, रोटी से खाइए, नान से खाइए, वट एवर, जिसके साथ भी बहुत मज़े का ये बनता है. अच्छा जी, ये हो गया, हमने इसमें ये सारी चीज़ें डाल दी. अच्छा, इसमें हमें मुझे क्या करना होगा, थोड़ी देर मुझे इसको ढक के रखना पड़ेगा क्योंकि टोमेटोज इसमें थोड़ा सा गल जाएं, ठीक है. थोड़ा सा टोमेटोज गल जाएंगे तो फिर एंड में मैं इसके अंदर क्या करूँगी, ब्रेन को ऐड करके फिर हम इसको सर्व कर देंगे, थोड़ा सा गर्म मसाला पाउडर डाल के, ठीक है. चले हम दूसरी रेसिपी की तरफ आते हैं. सब हम बनाते हैं कढ़ाई, अपनी मटन कढ़ाई, पेशावरी कढ़ाई. हम इतने ये हम चढ़ा देते हैं, इसमें वही हमारा आ गया कश्मीरी बनास कुकिंग कश्मीरी ऑयल बनास्पति हमने इसमें डाला, लाइक 1/2 cup, ठीक है. और फिर हम इसमें ऐड करेंगे ये हमने जो, अच्छा ये मैंने मटन लिया था 1 kg है, ठीक है. मैंने इसको क्या किया था, बॉईल कर लिया था, सिर्फ उसमें मैंने कुछ सिर्फ मैंने सॉल्ट डाला था, ब्लैक पेपर कॉर्न्स डाले थे और एक प्याज को मैंने जला के उसको मैंने बॉईल किया, तो कि जो स्टॉक बनता है तो उसका ज़रा अच्छा सा टेस्ट आता है. तो ये ऑयल हमारा गर्म हुआ, मैं इसमें ये ऐड कर दूँगी अपना मटन, ठीक है. हमने इसमें ऐड किया, इसको थोड़ी देर हमने फ्राई करना है, ठीक है. हम इसको थोड़ा फ्राई करेंगे, फ्राई के साथ साथ मैं इसमें डालूंगी जो हरी मिर्चें चॉप की हुई थी, 3 to 4 हम इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है. थोड़ा सा हमने इसको फ्राई करना है हरी मिर्चों के साथ, उसका अरोमा बहुत अच्छा आता है. आप ये मटन के साथ भी बनाएंगे तो मैं मटन के साथ बना रही हूँ, आप लोग व्हील गाय का गोश्त या बछड़े का गोश्त या आप लोग किसी मीट के साथ भी आप लोग ये बना सकते हैं, लैम के साथ आप लोग बना सकते हैं, रेसिपी सेम होगी, सिर्फ मीट का थोड़ा चेंज हो जाएगा. हमने थोड़ा इसको फ्राई किया, अब हम इसमें डालेंगे 1 tablespoon कुटी हुई लाल मिर्चें, ठीक है. लीमू का रस इसमें जाएगा अभी, ठीक है. ब्लैक पेपर पाउडर इसमें जाएगा 1 teaspoon. ये कुटा हुआ मसाला इसके अंदर जाएगा 1 teaspoon. थोड़ा सा इसमें जाएगा 1/2 teaspoon लाइक चाट मसाला, ठीक है, इसमें जाएगा. और फिर हम इसको थोड़ा सा भूनेंगे. अच्छा, ये इसमें टमाटर हम ऐड नहीं करते इस वाली कढ़ाई में, ये दही में बनती है, दही में काली मिर्च में लीमू के रस में ये वाली कढ़ाई बनती है हरी मिर्चों के साथ, ये बहुत डिफरेंट बनती है, बहुत मज़े की बनती है. अच्छा जी, अब हम इसमें कर देंगे ये जो योगर्ट हमारे पास है, अराउंड 1 cup ऑफ योगर्ट लिया था मैंने, इसको फेंट लिया था, ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे क्योंकि हमारा गोश्त बिल्कुल बॉइल्ड हुआ हुआ है, गला हुआ है. सिर्फ एक कन्नी जैसे हम चावल में छोड़ते हैं, एक कन्नी वो मैंने छोड़ दिया था ताकि हम जब इसको पकाएंगे थोड़ा सिमरिंग पे रखेंगे तो उसमें ऑटोमेटिकली गल जाएगा, ठीक है. ये हो गया. अच्छा, इसमें अब जाएगा नमक, लाइक मैं इसमें डालूंगी 1 teaspoon नमक ऐड करूंगी मैं इसके अंदर, इसके अंदर नमक चला गया. और अब हम इसको थोड़ा सा मतलब हाई फ्लेम पे इसको हम पकाएंगे और इसको हम ढक देंगे. चलें, आ जाते हैं हम अपने ब्रेन मसाले के मसाले की तरफ. कहाँ तक ये पहुँचा,
इसमें टोमेटोज हैं, थोड़ा सा यू नो सॉफ्ट हो गए हैं, अब ये सॉफ्टनेस की तरफ जा रहे हैं, इसका मसाला भी रेडी हो गया है, इससे मैंने नमक ऐड नहीं किया था। चलें इतने मैं इसमें नमक ऐड करती हूँ, हम चलते हैं छोटे से ब्रेक की तरफ, स्टे ट्यून्ड, वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक खवातीनो हजरात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार, ईदे कुर्बा स्पेशल, वक्त हुआ जाता है आपको एक शानदार ईदी देने का। आप लोग जानते हैं कि टीवी पर हमेशा से आप तक क्वालिटी एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करने में आगे आगे रहता है। हम लोग यही चाहते हैं अपने चैनल पे कि आप तक वो बेहतरीन प्रोग्राम पहुंचाएं जिनको देख के आप महसूस भी हों, कुछ सीखे भी और एंटरटेन तो फुल टाइम हो। शहर की रातें एक बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट है टीवी वन का, जिसमें हर हफ्ते आपको एक नई कहानी को देखने को मिलती है, जिसके अंदर इंटरेस्टिंग स्टोरीज होती हैं, फरेब की, तजस्सुस की। और शहर की रातें हर बुध की रात 8 बजे आप देखते हैं, रंगारंग कास्ट होती है इसकी, और हमेशा से इसकी जो स्टोरीज होती हैं वो मुनफरद होती हैं और बहुत ज़्यादा पसंद की जाती हैं। चलिए चल के शहर की रातें का एक छोटा सा ट्रेलर देखते हैं। भाई मुझे तो सब कुछ चाहिए, बड़ी सी गाड़ी, बड़ा सा बंगला, सब चाहिए मुझे। रेशमा नाम है मेरा, अपनी मर्जी से हिजड़ा नहीं बनी, इस पे बनाया। मैं इस वक्त ऑफिस में अकेली हूँ, पता नहीं कोई आदमी मेरा पीछा कर रहा है। इंसान से ज्यादा दिलचस्प और गहरी कोई किताब नहीं, इसलिए मैं इंसानों को पढ़ती हूँ। गाड़ी क्यों रोकी है? बता देते हैं बीबी, गाड़ी क्यों रोकी है? क्यों लायो मुझे? आर यू मैड? पागल ही था तुम्हारे लिए, लेकिन तुम कभी मेरे प्यार को समझी? कल रात को एक जनरल स्टोर पे वारदात हुई, वारदात का तरीका देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये वारदात बिना उसके साथ है। वेलकम बैक खवातीनो हजरात, आपने यकीनन शहर की रातों का इस वक्त ट्रेलर देखा होगा। शहर की रातें टीवी वन का एक बहुत ही मुनफरद प्रोग्राम है जिसको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, और जो लोग थोड़े से रोमांटिक मूड के होते हैं, प्यार मोहब्बत को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, जैसे अरसलान और हिरा एक रोमांटिक कपल है, आप लोगों के लिए भी खूबसूरत सा तोहफा है हमारे पास, का नाम है प्यार के नगमे, जो कि एक बहुत ही मेरे दिल के करीब सीरीज़ है, बहुत ही खूबसूरत सीरीज़ है। इसके अंदर भी अब हर हफ्ते आपको एक खूबसूरत सी लव स्टोरी देखने को मिलती है, जो कि ऐसा साथ के बारे में, जज्बात के बारे में होती है, हार्ट ब्रेक्स के बारे में होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स के बारे में होती है, और इसकी एक बिल्कुल ही अलग से एक ऑडियंस की बेस है जो कि बहुत ज़्यादा प्यार के नगमे को पसंद करती है। और हर पीर की रात 8 बजे आप एक नई स्टोरी देखते हैं किसी सुपरस्टार के साथ प्यार के नगमे में, और अब हम चल के देखते हैं प्यार के नगमे का एक खूबसूरत सा ट्रेलर। तुझसे तो डैनी बहुत प्यार करते हैं, मैं उनसे इतना प्यार करूंगी कि वो सब भूल जाएंगे, यहाँ तक कि तुझे भी। वाह ये देखे मेरी वीडियो कितनी अच्छी आई है। अरे तू है इतनी टैलेंटेड। समीर मुझसे शादी करो, कुछ भी नहीं सुना चाहिए। करोगी मुझसे शादी? रात को जब सब सो जाएं, तो बाहर आ जाना। तुम्हारी कितनी दोस्ती है लड़कियों से? एक लड़की से दोस्ती है। तो ना ये ज्यादा फिल्मी लाइनें ना मारा कर मुझ पे। मतलब हीरोइन जैसी बीवी जो घर में होगी तो बंदा तो खुद को हीरो समझेगा ना। अब इन चूड़ियों की छन छन से ना मार दूंगी मैं तुझे। हाय मैं मर जाऊंगा। कोई ना कोई ऐसा फिल्म मेकर जरूर आएगा जो तुम्हारे आर्ट और टैलेंट की कदर कर सके। बेवफाई सिर्फ एक मर्द एक औरत के नामुनासिब रिश्ते से नहीं होती, बेवफाई उन लम्हों से भी होती है जो साथ एक्सपीरियंस करने थे लेकिन नहीं किए। क्यों पर्दे में छुपा रखा है तुमने अपने चेहरे को मेरे सामने, जैसे बदली के पीछे चाहत? अगर अपना असल चेहरा देखना है तो मेरी आंखों में देखो। क्या खूबसूरत मंजर है, मुझे गुलदान में फूल सजाते हुए लोग बहुत अच्छे लगते हैं। ये फूल नहीं दिया आपने मुझे, क्यों समझ लीजिए जैसे मोहब्बत की हद करी है। Thank you.
और जब आप प्यार की बात करते हैं तो जैसे ही प्यार की बात करते हैं तो दिमाग में तकरार भी आती है, और जब तकरार की बात होती है तो हमें शेफ नौरीन याद आते हैं। हमारी ये तकरार चलती रहती है कि नौरीन खाना कब बनेगा बताइए। और आपकी तकरार मेरी तकरार की वजह से खाना जल्दी बनने लगा है। ऑलमोस्ट हमारा ब्रेन, मैंने ब्रेन ऐड के ब्रेक में जाने से पहले मैंने इसमें नमक डाला था, ठीक है, फिर मैंने इसमें ब्रेन जो मैंने बॉईल करके रखा था उसकी नसें निकाल दी थी, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। थोड़ा सा ये भुना जाएगा लाइक 3 to 4 minutes। और इधर हमारी पेशावरी कढ़ाई रेडी हो रही है, इसके मैं थोड़ा सा मैंने जब यखनी डाली, जब इसके ड्राई हो जाएगा, ऑयल ऊपर आ जाएगा, तो इट्स रेडी। फिर हम इसको नान के साथ, पराठे के साथ, व्हाटएवर जिसके साथ भी आप लोग खाना चाहें आप लोग खा सकते हैं। तो ये दोनों में 5-5 मिनट ही रेडी होने वाला है। अच्छा जी, हमारा ब्रेन भी है ऑलमोस्ट रेडी है, बस थोड़ा सा ये ऑयल इसका ऊपर आएगा। अच्छा, मैंने इसमें 1 tablespoon बटर ऐड किया था अनसॉल्टेड, ठीक है, क्योंकि बटर और ऑयल का जब एक थोड़ा सा अरोमा आता है वो डिफरेंट आता है, टेस्ट भी बहुत डिफरेंट हो जाता है किसी भी खाने में अगर आप बटर और ऑयल ऐड करें। लेकिन जब कश्मीर की बात आती है तो फिर ज़रूरत नहीं होती बटर डालने की, लेकिन मुझे एक थोड़ी सी आदत सी है कि मैं बटर ज़रूर डालती हूँ। 1 teaspoon या 1 tablespoon आप लोग डाल दें। चलें जी, ये हो गया। अच्छा, ये हमारा इतने ये भून रहा है तो मैं इसमें थोड़ा सा चॉप्ड कोरिएंडर, हरा धनिया मैं इसमें ऐड करूंगी, ठीक है। यूजुअली सेकंड डे उसका वो जायका रहता नहीं है। हाँ, और कभी कभी ज्यादा सॉल्टी हो जाता है खाना, ज्यादा सॉल्टी हो जाता है। असफर, पहली बात तो ये कि हम जो इस तरह की जो चीजें बनाते हैं ना, इसको फ्रिज में रखें ही ना, खत्म कर दें, खा लें या फिर दे दें किसी को। मतलब ये चीजें रखने से, तो बकरीद का स्पेशली मैं आपको, चाहे वो मीट हो, चाहे वो ब्रेन हो, चाहे वो कलेजी हो, जब ताजी ताजी पकती उसी वक्त खा लें। एक दिन के बाद आप लोग रखेंगे वो, एक तो कलर भी चेंज हो जाएगा और टेस्ट भी चेंज हो जाएगा और सख्त हो जाता है। सख्त हो जाता है, एग्जैक्टली, हाँ सख्त हो जाता है, वो कहते हैं ना बादी हो जाता है, यू कैन से दैट। तो ये चीजें हमेशा फ्रेश फ्रेश बने, उसी वक्त खा लें, फ्रिज में रख के ना खाएं। नौरीन, इवन रात तक थोड़ा सा उसका जायका अजीब हो जाता है। हाँ, रात तक भी अजीब हो जाता है, लंच में अगर आपने बनाया, कलर चेंज हो जाता है, कलर चेंज हो जाता है। आई थिंक उसमें आयरन की क्वांटिटी बढ़ जाती है, जब आयरन ज्यादा होता है तो आई थिंक एग्जैक्टली चेंजेस द कलर। खाने में क्या पसंद है हिरा वैसे? आई लव फूड, कुछ भी, खाना सब। भूख लग रही है ना अभी? हाँ, तो इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि मैं तब से ऐसे देख ही रही हूँ, अच्छा बन गया। और सब कुछ खा लेती हैं? सब कुछ। अरे अरसान, आप? मैं इतना फूडी नहीं हूँ। इनको रात को 4 बजे भी एकदम से होता है कि पिज्जा, मुझे क्योंकि मैं मॉडलिंग करता हूँ तो मुझे थोड़ा बहुत अपने आप को फिट रखना पड़ता है। मैं भी एक्टिंग करती हूँ। आपको लगता नहीं है ना, मुझे लगता है। तुम क्या हो, तुम क्या समझ रहे हो खुद? मैं भी कुछ कम है ना, ये हीरा की बेस्ट, ये हीरा की बेस्ट चीज है, मुझे सबसे ज्यादा चीज ये पसंद। तो ये रात को 4 बजे पिज्जा मंगवाएंगी और अब मेरे सामने बैठ के ना चप चप करके खाती जाएंगी, और फिर मुझे भी भूख लगेगी, मुझे खाना पड़ेगा, और सुबह उठ के मैं रो रहा होता हूँ क्या तुमने मेरे साथ क्या किया। लेकिन फिर एक वर्कआउट रिजीम तो चलती ही रहती है, I'm sure. Still, but आपको डाइट का थोड़ा सा ख्याल रहता है। अच्छा अरसा, मुझे एक बात सच से बताना, और खबरदार अगर हीरा की तरफ मुड़ के देखा। हाँ अरसा, हीरा फोन चेक करती है आपका? हाँ, हम लोगों का फोन नहीं, मतलब हाँ या ना, हम लोगों को हाँ या ना, हीरा क्या फोन चेक, व्हाट्सएप चेक करती है? नहीं, बट इसका मैं कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूँ ना, कि हम दोनों का फोन एक दूसरे के सामने खुला पड़ा होता है। और एक मजे की बात मैं आपको बताती हूँ, दिस माइट साउंड सो स्ट्रेंज, अगर मेरा फोन चार्जिंग पे लगा हुआ है और इनका पड़ा हुआ है, तो मैं इनका फोन पकड़ के रील्स देखना शुरू करूंगी, और मैं इसका फोन यूज कर रहा हूं, और ये मेरा फोन पे रील्स देख रहे होंगे, तो हम दोनों के फोन्स का वो वाला हिसाब। फोन की रहरा कभी ये सोचा कि व्हाट्सएप पे एक नजर डाल लूं? मैं शुरू में सच बोलूंगी डालती थी, ठीक है, हाँ बताया नहीं आपको कभी, लेकिन फिर ना आपको पता चल, एक बंदा फोन छुपा ही नहीं रहा, मतलब मैं बोर हो जाती थी इनका फोन खोल के, कि यार कुछ भी नहीं है, मेरी कोई बुराई भी नहीं की हुई किसी से, मैंने वो भी देखती थी कि शायद मेरे बारे में कोई बात की हो, कुछ भी नहीं। इनसे कुछ छुपाना इतना मुश्किल है, इतनी बड़ी सीआईडी है कि मैं कोशिश भी नहीं करता कुछ करने का। तुमने हार मान ली? हाँ, क्योंकि नहीं, मैं कुछ बहुत मेहनत करनी पड़ेगी कुछ भी करने के लिए। लेकिन हीरा, मुझे बाबा हर साल एक यंग, गुड लुकिंग, सक्सेसफुल आर्टिस्ट है, मुझे बताए, ऑफ कोर्स अभी भी शादी के बाद भी कुछ तितलियां तो मेरी शादी करने का मकसद ही इस इंसान से ये था, वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस।
कि आप और सलान के सामने दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की बिठा दें, ये मुझसे ही आके डिस्कस करेंगे, तुम्हें पता है यार वो लड़की अच्छी लग रही थी ना, मतलब अच्छी लड़की थी, प्यारी थी वो, हाँ तो उनका ये वाला एक हो चुका है। बट हम इस तरह की डिस्कशंस आपस में करते हैं कि यू नो व्हाट इफ समडे कुछ ऐसा होता है कि आपको कोई और अच्छा लग जाए या मुझे कोई और अच्छा लग जाए, तो यू नो तब क्या होगा जिंदगी में। ये इनसिक्योरिटी होती है कभी कि व्हाट इफ इट फेड्स, क्योंकि एक अजीब से लोगों को आजकल का जो दौर है डर तो लगे रहते हैं बिल्कुल हर तरीके के। हाँ बिल्कुल, मुझे भी थी ये इनसिक्योरिटी और मैंने शादी करने से पहले इनसे ये बात की थी कि यू नो व्हाट इफ यू फाइंड समबडी बेटर, मुझसे अच्छा कोई मिल जाता है कुछ। सो इनका एक जवाब था जो अभी मेरे साथ है, ही टोल्ड मी कि तुम्हें भी मुझसे कोई बहुत बेहतर जिंदगी में मिलता रहेगा और मिलता ही जाएगा और मुझे भी, ये तलाश तो कभी ख़त्म ही नहीं होगी। सो अगर आपने जिंदगी गुजारनी है तो उस एक इंसान के साथ जिसके साथ आपको पता है कि आप यू कैन स्टिक टू देम और आप सुकून से एक हंसते खेलते सफ़र गुजर जाए जिंदगी का, आपको नहीं पता यू नो व्हेन डज लाइफ एंड, तो यही इसको अच्छी तरह निभा लें, ये बहुत है। ऑल्सो आपने जो बात की है ना व्हाट इफ इट फेड्स, आई थिंक हम लोगों की जो लव की डेफिनेशन है दैट इज़ वेरी डिस्टॉर्टेड। मतलब हम समझते हैं कि वो लव एट फर्स्ट साइट, वो एक दूसरे को देखा प्यार हो गया, ये प्यार नहीं होता। प्यार आई थिंक होता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर करना, एक दूसरे से लड़ना और एक दूसरे की ऊंच नीच को एक साथ देखना। तो आई थिंक जब आपका इस तरह, क्योंकि मेरा और हिरा की दोस्ती जो प्यार है बहुत दोस्तों वाला प्यार है, हम सब एक दूसरे से डिस्कस करते हैं और लड़ाई हो जाए तो बस जिंदगी तबाह हो गई है, कुछ हो नहीं रहा, काम नहीं हो रहा, इस तरह की चीजें नहीं। प्रॉब्लम ये है कि दोस्त भी एक दूसरे के हैं, तो लड़के अब जाएं किसके पास? ये वो जो दोस्ती वाला फैक्टर होता है तो मुझे लगता है कि इट नेवर रियली फेड्स। आप दोस्तों से क्या वो आप वो करोगे? और कितने दिन नाराज भी रह सकते हैं आप, कितने दिन में। और मुझे जाती तौर पर ऐसा लगता है कि आई थिंक लव एक ऐसी जबरदस्त सी फीलिंग है जो एक वक्त के बाद डेवलप होती है। बिल्कुल, यू नो जब आप एक दूसरे की आदतों में ढल चुके होते हैं, आप एक दूसरे के रंग में ढल चुके होते हैं, फिर एक जिंदगी एक दूसरे के पे इतनी ज्यादा डिपेंडेंट भी हो चुकी होती है कि दैट यू कांट डू विदाउट वन अनदर, आई थिंक तब आपको पता चलता है जैसे आपके घर वालों से आपको होता है, होता है एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है। तो लेकिन एक मुझे लगता है हर रिश्ते की जो खूबसूरती होती है वो यही होती है कि उसको खोने का भी एक डर होना चाहिए, होना चाहिए। मुझे लगता है वो किसी भी चीज़ का जो खोने का डर होता है, चाहे आपको इश्क आपके करियर से हो, आपके काम से हो, किसी भी चीज़ से, जो एक डर होता है ना कि यार ये कहीं चला जाए, आई थिंक वो डर आपको बड़ा एक इत्मीनान भी देता है टू होल्ड बैक दैट रिलेशनशिप। आई थिंक इट रियली दैट रियली मैटर्स। खवातीन और आज़ाद, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, हीरा और सलाम हमारे साथ मौजूद है, मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर में। Welcome back, ladies and gentlemen. You're watching the Morning Star Eid e Qurban special. बस इतना खो गए इसमें आप कि अपना काम ही भूल गए। हमारी मैं इनको नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। हमारी पिशावरी मटन कढ़ाई तैयार है और ब्रेन मसाला तैयार है और बहुत शानदार खुशबू आ रही है और बड़ा रिकॉर्ड टाइम में आपने बना लिया। जी हाँ, बीइंग अ शेफ तो बना सकते। बिल्कुल, और सलाल मुझे कह रहे थे कि मुझे ब्रेन मसाला बहुत पसंद है, मैंने कहा खाने के लिए आपको एक इम्तिहान से गुजरना पड़ेगा। बिल्कुल, और इस वक्त दोनों इम्तिहान में खड़े हुए, क्या इम्तिहान है बताएं? इम्तिहान इनको टास्क दिया गया है, ये बीन्स हैं कलर्ड, ठीक है, इनको करनी है ब्लैक सिलेक्ट करनी है और उनको करनी है येलो। और हेरा आपने येलो बीन्स कलेक्ट करनी है और वक्त सिर्फ एक मिनट का आपके पास है। बहुत तहम्मुल के साथ अगर किसी ने ज्यादा दादागिरी दिखाई तो पूरी दुनिया देखेगी कि ये कौन कर रहा है, ठीक है। तो आप दोनों का वक्त शुरू होता है नाउ। Don't cheat, I will not take your chalo chhod do
अरे छोड़ दे लड़की तेरे खत्म हो गया। And your time's up. किसने ज़्यादा जमा किए हैं? I don't know. I think बड़े equal से लग रहे हैं, शायद थोड़े से इतने मज़े, इतने मज़े का शॉट था कि चारों तरफ हीरा के हाथ थे और अरसलान सारा एक हाथ से डर डर के कोशिश कर रहे कि कहीं पंजा ना मार दे। चलो गिनके देखते किसने कितनी ज्यादा जमा किए हैं। जी चलिए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस ट्वेंटी सेवन अच्छा अट्ठाईस उनतीस तीस इकतीस बत्तीस तैतीस थर्टी थ्री जी हीरा जी। अब जिसकी ज्यादा होगी वो जीत जाएगा और फिर उसको ब्रेन मसाला मिलेगा। ये हाँ चलिए एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस तीस इकतीस बत्तीस तैतीस चौतीस पैतीस छत्तीस सैंतीस एंड सो ऑन। इस गेम से ये बात जाहिर होती है कि हमें ब्रेन की जरूरत ही नहीं है। तुम जीती हो तो ब्रेन खाओ, ब्रेन मसाला खाओ, ब्रेन मसाला। अब आप क्या बना रही है इतना पकाने के बाद? मैं बना रही हूँ एक डिजर्ट, क्योंकि इतना तीखा तो एक मीठा भी तो बनेगा ना। हाँ बिल्कुल। तो आज मैं मैंगो डिजर्ट बना रही हूँ, मैंगो मतलब ट्राइफल बना रही हूँ केक के साथ, कस्टर्ड के साथ। एक्सेलेंट, प्लीज रेसिपी तो बताएं। जी बिल्कुल। अच्छा मैंने इसमें लिया था 1 kg मिल्क, ठीक है, मैंने 1 kg इसमें मिल्क लिया है और इससे मैं और इसमें जाएगी शुगर लाइक 3 to 4 tablespoons, फिर हम इसमें कस्टर्ड पाउडर मिक्स करेंगे तो हमारा एक कस्टर्ड रेडी हो जाएगा। कि मैंने इसका बेस जो है मैंने केक का बना दिया, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है, बटर केक है प्लेन, इसमें कोई फ्रूट केक नहीं जाएगा, प्लेन केक जाएगा। और इसका मैं कस्टर्ड रेडी करूँगी, फिर मैं इस पर पोर करूँगी, इसके ऊपर बनानाज आएंगे, मैंगोज आएंगे, मैंगो प्यूरे आएगा, फिर कस्टर्ड आएगा, फिर हम उसके ऊपर केक ही क्रम्स डाल देंगे, फिर हम इसको सर्व कर देंगे, ऊपर से क्रीम ड्रिजल कर देंगे। जबरदस्त। अब हम चलते हैं एक और गेम की तरफ और बहुत ही जबरदस्त ये गेम है। ये हमारे पास यहाँ कुछ पेपर्स मौजूद हैं, हर पेपर में एक जुमला लिखा हुआ है, वो जुमला जो है उसको अरसलान ड्रॉ करेंगे और हीरा गैस करेंगी। अरसलान प्लीज निकालिए जी, क्या लिखा हुआ है इसमें? अरे वाह जबरदस्त, प्लीज अब आपको ड्रॉ करना है और हीरा गेस करेंगी। हीरा वैसे आप इस गेम में कितना ज्यादा शार्प है, आप खेलती है डम शेड्स एंड ऑल? हां डम शेड्स आई डू, बट आई डोंट नो ये क्या ड्रॉ करेंगे और मैं क्या गेस करूंगी। अब वो जो ड्रॉ करेंगे अब वो जो ड्रॉ करेंगे वो आपको ये पता करना है कि उन्होंने कैसे और मैं गेस कैसे करूंगी। ये सरा खुदा का खौफ करें, ये अब क्या बना रहे हैं जी? नहीं बिल्कुल सही बनाया है। जी बनाया बनाया कोशिश करते हैं कुछ। हाँ अच्छा। I've never seen your drawing. मैंने कभी इनको draw करते हुए नहीं देखा। This is the first time मैं इनकी drawing देखूंगी। मुझे बिल्कुल please don't leave me। चले अरसलान दिखाइए। एक second। जी अब आप पिकासो मोड में ही चले गए हैं ना मतलब? जी आप भी बताएं ये क्या है। बताइए एक सेकेंड। ये दरख्त पे ये अंगूर, बिल्कुल सही, दरख्त पे अंगूर। क्या बात है, आई स्वेयर ये जो आपने दूसरी बनाया ना ये बलून्स लग रहे हैं, अगर आपने वो नहीं लगाया होता तो अंगूर तो नहीं थे ये। वो जल्दी जल्दी में मुझे पर्सपेक्टिव बस देना होता है। चले जी अब हीरा की बारी है। हीरा अच्छा मैं तो बिल्कुल नहीं गेस कर सकता, आई एम वेरी बैड एट दिस गेम। अच्छा और हीरा आपको जल्दी ड्रॉ करना है जी, जल्दी जल्दी ड्रॉ करना है, आपके पास ज्यादा टाइम नहीं, आप प्लीज पिकासो मत बन जाइएगा। नहीं नहीं। वैसे अरसलान कभी कभी हीरा की कोई ऐसी बात होती है जिसके ऊपर आपको बहुत हंसी आती है कि हीरा यार तुम्हारी ओह यस। हाँ
कि यार हीरा ये तो मैं बस हंस हंस के पागल हो जाता हूँ तुम्हारी इन बातों पे। बिल्कुल ऐसा ही वो क्या बात हो? वो बात ये है कि हीरा जब टेक्नोलॉजी के ऊपर बात करती है ना तो आपको ऐसी लॉजिक देगी आउट ऑफ नोवेयर, बिकॉज मुझे टेक का बहुत शौक है। तो वो कहती है आपको पता है कि वो स्टार्स में ये हो रहा होता है, मुझे पता है एक्चुअली क्या हो रहा है, बट वो इतनी अजीब सी लॉजिक देती है कि मैं कहता हूँ यू शुड टॉक अबाउट टेक मोर। और ये हीरा की पेंटिंग तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है जी हीरा। यार ये नहीं आता, बड़ी मुश्किल में लग रही हैं आप मुझे। ने बहुत जबरदस्त बनाई है तस्वीर जी हीरा, ये पहचान नहीं पाएंगे। नहीं बताइए जी, कोई सनसेट है ये? आपको मंजर किस चीज, किस जगह का मंजर लग रहा है ये? मुझे लग रहा है इन्होंने पहाड़ और सा दरख्त बनाने की कोशिश की है। नीचे घास है, ये नीचे घास है? हाँ बिल्कुल, हाँ नीचे घास है। हाँ अच्छा, आप मुझे पता है घास दरख्त फूल कहाँ होते हैं? किसी सीनरी में? चल नहीं नहीं सीनरी में तो होते हैं, असली जिंदगी में कहाँ होते हैं? किसी माउंटेन एरिया में ही होते हैं। माउंटेन एरिया में तो पहाड़ होंगे ना, ये घास कहाँ होगी? पार्क? हाँ गार्डन? हाँ गार्डन तक तो आप सही हैं, बाकी बताएं आप और आपको क्या नजर आ रहा है? और क्या है ये पीछे, क्या बंदा खड़ा किया हुआ आपने, मुझे ये समझ नहीं आ रही। ये बंदा नहीं है, ये कुर्सी है, और इनको गैस कर रहा था गार्डन में कुर्सी। मैं ऐसे कैसे और गार्डन में कुर्सी का जरा क्लोजअप बना के दिखाएं। वेरी नाइस, अब आप मुझे बताएं कुर्सी में गैस कर सकते हो? वैसे ये कुर्सी कोई नहीं गैस कर सकता, नहीं कर सकता ना मेरे ख्याल से, ये कुर्सी लग भी नहीं रही इस वक्त। आई डोंट नो हाउ टू मेक अ कुर्सी। बहुत ही खूबसूरत आपने ड्राइंग की है, लेकिन अब हम आपके साथ एक और, यार इनसे गार्डन तो गैस हुआ नहीं, कुर्सी इन्होंने कैसे गैस करनी थी? आप गार्डन तो मैं फिर भी गैस कर सकता था ना, कुर्सी बेचारी आपने क्या बनाई, इतना अच्छा मैंने ब्यूटीफुल गार्डन बनाया था। अब वक्त हो जाता है खवातीन और आजाद एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार ईद कुर्बा स्पेशल, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। आता रहते हैं हम
खान साहब क्या कहने रे, क्या कहने खान साहब। मिला है हमको विरसे में बारह सुरों का राग, खान साहब रात रात भर जागे हम सोया है अपना भाग, छठ लड़ाई करमा वाली है रब को यही मंजूर है, लौट के बारह दरवाजों में मौजी गेट मशहूर है, किसी का तोड़ो नहीं यकीन तो, नहीं यकीन तो करके देखो प्यार का अपना सुरूर है, लौट के बारह दरवाजों में मोची गेट मशहूर है, मोची गेट मशहूर है, मोची रोज रात वक्त हो जाता है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन रोज रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार, ईद कुर्बान स्पेशल। एक बार फिर आपको शो में खुश आमदेद कहते हैं। आज ईद का बड़ा गहमा गहमी वाला दिन था, बहुत ज़्यादा
मसरूफियत का दिन रहा होगा, आपके घर में बहुत मेहमान और बहुत सारे दोस्त आएंगे, लेकिन जब भी ईद आती है ना इरा, मुझे होता है कि बहुत मज़ा आता है लोगों से, फ्रेंड्स से आप मिलते हैं, लेकिन फिर तीसरे दिन के बाद जब दोबारा से आप रूटीन में जाते हैं, बोर्डम आता है कि यार अब किस चीज़ को लुक फॉरवर्ड करेंगे, अब अगली कौन सी पब्लिक हॉलीडेज आ रही हैं जिसमें घर वाले साथ होंगे, क्योंकि वैसे यूजली ईद पर क्या आपका रूटीन होता है? अभी शादी के बाद तो फर्स्ट डे इट वाज अ वेरी अनयूजुअल थिंग, क्योंकि सारी ज़िंदगी ईद पे घर होते थे आप, तो मैं पहली दफ़ा ससुराल में थी, पहली थी मेरा पहला दिन था, लेकिन वेरी होलसम, क्योंकि सब मुझसे मिलने आ रहे थे, नई नई दुल्हन थी और वो वाला सारा कुछ था, वो बड़ा मज़ा आया। सेकेंड डे फिर मेरी अम्मी की तरफ जो है वो लाजमी होता है वहाँ पर, हमारे मेरी अम्मी की तरफ ये होता है कि हमारे सब दोस्त और हमारी दोनों अम्मियाँ, सो दिस इज़ हमारी वो हमारा ये पार्टी ग्रुप है, हमारी किटी पार्टी है ये, सो वी विल जस्ट खाना खाएंगे, बातें करेंगे, नाचेंगे, और मतलब वो जो खाने लगे हुए होंगे, वो जो एक टाइम होता है ना, आई थिंक हम पूरा साल मेहनत ही उस चीज़ के लिए करते हैं, सो टू सिट टुगेदर एंड जस्ट हैव फन। अरसल कैसा लग रहा है शादी के बाद ईद पर? हाँ पता है ये पहली ईद थी जिसपे मुझे एक्चुअली ईदियाँ निकालनी पड़ी हैं, और ईदी की काफी बड़ी फरमाइश आई थी इधर से, और ये खुद सिर्फ ईदी की छोटी बहन भी है ना, उनको भी देनी पड़ती है, वो सीन ये है कि ये सिर्फ खुद ईदी नहीं लेती, ये सारी मेरी कजन्स को भी दिलवाएंगी, फिर जिनको मैं नहीं देने का सोच रहा होता है उनको भी दिलवाएंगी, आप बड़े हैं आपने तो ईदी लाजमी देनी है, तो वो दिस वाज द फर्स्ट टाइम कि मैंने ईदियाँ निकाली हैं, और बिल्कुल बैंक जो है वो खाली हो चुका था और अच्छा भी नहीं लग रहा, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, बट कोई बात नहीं। आई थिंक मेरे घर में नॉर्मली ईद काफ़ी थोड़ी सी ड्राई से ही गुजरती है कि मेरे नाना नानी होते हैं मेरे घर में, और पहले दिन सब कोई आके, और फिर दूसरे दिन हम लोग दूसरे तीसरे दिन घर ही रहते हैं। जब से हिरा आई है वो घर में ऐसी रौनक लगी है ईद की, बिकॉज शी वो फिरती फिरती रहेगी, बातें करती रहेगी, तो वो घर वाले कहते हैं कि ये गई है तो रौनक चली गई है बिल्कुल घर से, तो माशाल्लाह। अब दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द शो हिरा, जाते जाते कोई पैगाम देना चाहेंगी आपके जो फैंस हैं, आपका कौन सा प्रोजेक्ट लुक फॉरवर्ड करें अभी? सो मैं इंशाल्लाह अगले दो प्रोजेक्ट्स में आपको दो डिफरेंट चैनल्स में नज़र आऊँगी, और वो डेफिनेटली आई वुड होप कि आप लोग उसको देखेंगे और उसी तरह प्यार देंगे जिस तरह से आप हमेशा देते हैं, एंड जस्ट सो मच लव एंड बेस्ट विशेस फॉर एवरीबडी हु गिव्स अस लव बैक, बिकॉज जब हम पब्लिक प्लेसेस पर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, आई थिंक हम इसी वॉर्म्थ के लिए काम कर रहे होते हैं, सो थैंक यू सो मच, एंड आई एम होपिंग एंड आई एम हेयर टू एंटरटेन यू गाइज फॉर अ लॉन्ग टाइम। एक्सेलेंट, अहसान आप क्या कहेंगे? मेरा अभी ग्रीन पे एक प्रोजेक्ट आने वाला है, और मैं काफ़ी देर से उसका वेट कर रहा हूँ, मैंने एक मूवी भी की थी 2 साल पहले, बट अल्लाह करे वो जल्दी आ जाए। बाकी मेरा पैगाम यही है कि एक दूसरे का ख्याल रखें, देर इज़ अ लॉट ऑफ हेट हैपनिंग अराउंड अस, बस एक दूसरे से प्यार करें, ख्याल रखें, और नेकी करें और दरिया में डालें, कोई बात नहीं। बहुत वेरी नाइस, कितनी अच्छी बात कही है शेफ नौरीन। जाते जाते मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि कोई मैसेज है जो आप देना चाहती हैं? मैं तो एक ही मैसेज दूंगी कि हेल्थ इज़ वेल्थ, अपना भी ख्याल रखें, सफाई का भी ख्याल रखें, क्योंकि बकरीद पे मैं बहुत देखती हूँ बहुत ज़्यादा गंदगी होती हैं, और हाइजीन का ख्याल रखें, और खुश रहिए और मज़े कीजिए और पोर्शंस कंट्रोल करके खाइए। बिल्कुल खवातीन और रात, बहुत बहुत शुक्रिया आज का शो देखने के लिए, और आपसे अलविदा लेते हैं, लेकिन इसी होप और इसी वादे के साथ कि आप लोग भी बहुत सारा जो खाना है ना तो उसको ज़ाया करेंगे ना उसको फ्रिज में स्टोर करेंगे। बकरा ईद का एक मकसद होता है इस कुर्बानी के गोश्त को या जो खाना एक्स्ट्रा पक गया है या बच गया है उसको गरीबों में बांटिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि काफ़ी दिनों तक खाना नहीं खाते और इसी आस में रहते हैं कि कहीं से अल्लाह ताला उनकी मदद करेंगे, तो मदद का जो जरिया है इस बार आपने यकीनन बना। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग टाइम आउट। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया द मॉर्निंग स्टार ईद कुर्बान स्पेशल देखने के लिए। बहुत जल्द आपके साथ होंगे द मॉर्निंग स्टार लेके, एक बार फिर से कोशिश करेंगे आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाए, अपना ख्याल रखिएगा और ईद बहुत अच्छी तरह मनाएं। लेकिन जिस तरह अभी शेफ नौरीन ने कहा, सफाई का खास ख्याल रखना है। आपसे फिर मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।